आई लव बरौनी। नीचे लिखा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए कितने अच्छे अच्छे कोटेशन लिखे हुए हैं। देखिए प्यारा प्यारा टाउनशिप के अंदर का अपना मार्केट है। कितना खूबसूरत सा मूर्ति है। वेजिटेबल शॉप है यहाँ का। कई सुविधाओं से लैस है ये पूरा का पूरा टाउनशिप बरौनी रिफाइन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है प्रतीक और मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ गंगा नदी के ऊपर से। जी हाँ, ये गंगा नदी का ब्रिज है राजेंद्र सेतु और मैं जा रहा हूँ आज बरौनी। जी हाँ, बेगूसराय का बरौनी जहाँ टाउनशिप वगैरह रिफाइनरी वगैरह है। क्योंकि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं बरौनी भाई बिहार का औद्योगिक राजधानी बोला जाता है बेगूसराय को, जिसके अंतर्गत बरौनी आता है। सो ब्लॉग में बने रहिए, आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं बरौनी के रिफाइनरी टाउनशिप में, जहां पर आपको वहां का टाउनशिप दिखाएंगे जो कि बेहद खूबसूरत है और वहां की क्या क्या सुविधाएं वगैरह हैं वो आपको सब कुछ दिखलाएंगे। सो बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइज, हम अभी क्रॉस कर रहे हैं बरौनी थर्मल, जी हाँ, यानी NTPC जो कि बरौनी में है। और ये बरौनी थर्मल पावर 1962 में रूस के सहयोग से इसे बनवाया गया था, लगवाया गया था इस प्लांट को, और जो कि कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन है। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे और भी फैक्ट्रियां मिलेंगी जो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ऐसे ही नहीं, इसे बिहार की औद्योगिक राजधानी बोला जाता है। अभी हाल में ही यहाँ पेप्सी का भी फैक्ट्री लगाया गया है। एंड गाइस, ये देखिए सामने दिख रहा है उर्वरक रसायन का फैक्ट्री जो कि चकिया से थोड़ा सा आगे बरौनी में। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड बरौनी यूनिट। एंड गाइस, यहाँ लाइन से ट्रक वगैरह लगा हुआ है, देखिए पूरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ट्रक है। एंड बस हम लोग टाउनशिप पहुँचने वाले हैं। एंड गाइस, ये रहा टाउनशिप का गेट जिस पर लिखा है बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप बेगूसराय। सो गाइज, ये बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप के अंदर घुसते के साथ आपको दिखेगा आई लव बरौनी रिफाइनरी। सो गाइज, यहाँ पर देखिए ये लिखा है आई लव बरौनी रिफाइनरी, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और नीचे लिखा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। छोटे शहरों में बहुत कम देखने के लिए मिलता है ऐसे लिखे हुए, बट यहाँ पर लिखा हुआ है और बेहद ही प्यारा दिख रहा है। रिफाइनरी है, टाउनशिप एरिया है ये, देखिए देख लीजिए, ये है बरौनी रिफाइनरी का कॉलोनी, टाउनशिप जिसे बोलते हैं यहाँ पर। और काफ़ी अलग है, बिहार में शायद ये एक ही है रिफाइनरी जो कि हमारे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बरौनी में एंड लगा हुआ था यहाँ पे आई लव बरौनी रिफाइनरी। एंड आपको यहाँ का कॉलोनीज दिखाएंगे, ये कॉलोनीज वगैरह जो है तो बिहार से बाहर का वातावरण यहाँ पे बिहार से बाहर वाला हो जाता है। देखिए मेरे पीछे इतना साफ़ सुथरा सा रोड वगैरह है, ऐसा रोड वगैरह साफ सुथरा वाला रोड वगैरह बिहार में देखने के लिए कम मिलता है, खासकर कॉलोनीज वगैरह में, क्योंकि बरौनी के ये रिफाइनरी में टाउनशिप के अंदर है। मेरा ये रहा बरौनी का टाउनशिप। पानी का झरना गिर रहा है भाई यहाँ। वाटर टावर 1, चलिए इसके अंदर चलकर देखते हैं क्या है। ये एक छोटा सा पार्क टाइप का है। रिफाइनरी के अंदर का टाउनशिप के अंदर का ये वाटर टावर करके पार्क है, देखिए बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा पार्क है। और मेरे पीछे यहाँ पर पानी वगैरह गिर रहा है इस वाटर टैंक के ऊपर से, क्योंकि बंद किया हुआ है, क्योंकि जालीदार
चलिए आपको और टाउनशिप घुमाते हैं बरौनी का, रिफाइनरी के अंदर ये जो टाउनशिप है। एंड गाइज, ये है बीआर प्लाजा जो कि इस पार्क के ठीक सामने में है, और ये टाउनशिप का मार्केट है ना। ये देखिए प्यारा प्यारा सा ये बना हुआ है पार्क टाइप का खेलने के लिए। ये टाउनशिप के अंदर का अपना मार्केट है लोगों के लिए, जो भी यहाँ पे रिफाइनरी के वर्कर्स हैं। ये कितना खूबसूरत सा मूर्ति है, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है इस छोटे से मार्केट में। ये वेजिटेबल शॉप है यहाँ का, सब्जी मंडी, ठीक इधर में जनरल स्टोर्स वगैरह सब कुछ आपको छोटे मोटे आइटम्स मिल जाएंगे देखने के लिए। ये यहाँ का टॉयलेट है, वॉशरूम, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क टाइप का, देखिए मस्त सा गेट है। तो गाइस, कई सुविधाओं से लैस है ये पूरा का पूरा टाउनशिप बरौनी रिफाइनरी का, जो कि है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर। के स्टाफ्स को सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है इस टाउनशिप के अंदर में, मार्केट, यहाँ का हॉस्पिटल्स, बैंक्स एंड जो भी एक बाहर मिलता है, एक टाउन में मिलता है सब लोगों को, वो इस पूरे कैंपस रिफाइनरी के कैंपस में ही मिल जाता है। ऐसे इसका टाउनशिप नाम है इसका, बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप बेगूसराय। स्कूल्स वगैरह भी सारा कुछ है यहाँ, पटना के एक आने मार्ग से कम नहीं है भाई, जहाँ मुख्यमंत्री जी निवास करते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है पटना में, कुछ वैसा ही दिखता है ये टाउनशिप। सारे क्वार्टर्स को या सारे रास्तों को सेक्टर वाइज बांट दिया गया है। ये देखिए अभी सेक्टर नंबर 2 के पास है पद संख्या 4, क्वार्टर नंबर इतना से इतना तक का इसके अंदर इस एरो में मिलेगा। और यहाँ पर गार्ड्स वगैरह की फैसिलिटीज़ रहती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सो गाइस, ऐसा कुछ दिखता है हमारा बिहार में मौजूद रिफाइनरी का टाउनशिप, जो कि बेगूसराय में है। देखिए क्या शानदार सा, साफ सुथरा सा, हरा भरा सा लगता है, लगता है पूरा खाली है, काई जम गया है रास्ते में। साइड में दोनों साइड यहाँ के क्वार्टर्स वगैरह हैं इस टाउनशिप के कॉलोनी के अंदर। देखिए कितने अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे हुए हैं, हरित, स्वच्छ, सुंदर, हमारा टाउनशिप, हमारी रिफाइनरी, जिस पे कि हमारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। बरौनी रिफाइनरी, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये रहे हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यहाँ सेक्टर 4 के पास एक प्रतिमा लगा हुआ है, आपको ठीक उधर स्कूल्स है। सो गाइस, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग भी अगर बेगूसराय आते हैं तो यहाँ बरौनी के रिफाइनरी टाउनशिप में ज़रूर आइएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ मन प्रसन्न हो जाएगा ये टाउनशिप घूम के आपको। ऐसा कोई ख़ास तो नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा, फीलिंग गुड। सो गाइज, आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, ये बेगूसराय का और ख़ासकर ये बरौनी रिफाइनरी के अंतर्गत जो मैंने आपको दिखाया। तो ये ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय।